अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ ताजवीर। ये आप देख सकते हैं, मैंने तो गेट बाहर से बंद किया क्योंकि गेट बंद है। तो ये थिएटर है और इस साइड का म्यूज़ियम है, ठीक है। ये बहरीन दोस्तों, जिस तरीके से मेरी जो चैनल का जो उन्वान है जाप इन बहरीन, मैं इस चैनल पे सिर्फ ये आपको बताऊंगा कि जो जॉब यहाँ बहरीन में होती है आप उसके लिए अप्लाई कैसे, मतलब कौन सी जो जिस तरीके से जॉब आती, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ साथ बताऊँगा। लेकिन अभी मेरी छुट्टी हो गई क्योंकि एक ये होता है कि अभी 8 बजे यहाँ मेरी छुट्टी हो गई और अब मैं जाऊँगा कमरे को, रूम को, और तकरीबन 35 मिनट का रास्ता है कि मैं जा रहा हूँ। तो फिर उधर से खाना भी तैयार करके तकरीबन टाइम लगता है। तो इसी वजह से जो मैं बात कर रहा था कि एक टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं जो कल था वो मैंने आपके साथ साथ शेयर नहीं किया जॉब, लेकिन आज भी मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह आज मैं जाकर टाइम निकालूँगा। जो वैकेंसी आई है मैं वो उसकी उसी बंदे का जो कंपनी में काम कर रहा है, एचआर जो भी है, उसी का नंबर और ईमेल दोनों में एक पेज पर लिखूँगा और साथ में ये लिए बताऊँगा कि कौन सी वैकेंसी है, कौन सी जॉब है। आप उसके लिए फिर जो कंपनी कॉल करेंगे बाद में आपको तफसील से बताएंगे। तो ये थोड़ा सा आप देख के ये नज़ारा कर ले, ये बहरीन है, इंतहाई खूबसूरत जगह है। और यहाँ की जो जगह है, जगह बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि किसी किस्म की तकलीफ परेशानी नहीं होती, हर लोग अपने काम में मसरूफ़ होते हैं और पैसा भी बहुत पैसा है। मेरे बहुत दोस्त हैं कतर, दुबई और सऊदीया में, लेकिन वो भी इधर आ रहे हैं बहरीन को। आज बंदे 2-3 बंदे से मेरी रब्ता हुआ तो वो कह रहे थे कि यार बहरीन में हम आएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है आ जाओ इधर। मैंने तो उसको भाई का मशवरा दिया कि इधर का पैसा बहुत ज़्यादा है। बहरीन जो एक थोड़ा सा मुल्क है, इसमें जो कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं बहरीन का हूँ, ठीक है। इधर के ये हालात है कि मैं थोड़ा सा आपको इसका जो है वो हाल बताऊंगा क्योंकि मेरे खुद ही इधर का टाइम हो गया, 5-6 मंथ में आया हूँ। इधर के ये होता है कि अक्सरियत शिया की है, ठीक है, और हुकूमत जो है वो सुनी का है। दूसरी इधर के जो छोटे छोटे दुकानें हैं वो बंगालियों के हैं और जो बड़े मार्केट्स हैं वो इंडियन के हैं, और पुलिस आर्मी में जो होते हैं वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। तो इधर के जो हुकूमत जो सिस्टम है वो अजीब तो अजीब की तरह के, कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मतलब मैं, हर बंदा जो होता है अपनी मर्ज़ी से चलता है। इधर का थोड़ा सा ये होता है कानून इतना मजबूत नहीं जिस तरीके से यूएई, कतर या सऊदी में है। इधर का कानून थोड़ा सा कमज़ोर है क्योंकि ये जो शिया लोग हैं ये इनकी हुकूमत नहीं मानते, ठीक है। कभी कभार अभी तो खैर ठीक है, लेकिन पहले ये हुआ करता था कि इधर पूरे रास्ते में उन लोगों ने एहतजाज किया था, लोग आ गए थे बाहर, उनको हुकूमत नहीं मान रहा था। तो इधर के फ़ायदे बहुत फ़ायदे, ठीक है। अगर कोई ऐसे लोग जो आना चाहते हैं, मेरे ख़्याल में इनके लिए बहरीन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, काम भी बहुत काम है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा कि रास्ते पर मैं चलता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको भी दिखाऊंगा।
ये वाहिद ऐसा मुल्क है बहरीन के ये और लोगों को शनाख्ती जो होती है नेशनलिटी वो दे रहा है। ये कि बहुत से लोग होते हैं जो बहरीन जो मतलब बाहर के उनको नेशनलिटी दिया हुआ है। ये आपके बाद ये जो है बहरीन ये गल्फ मुल्क में वाहिद मुल्क है जो लोगों को सिटीजनशिप दे रहा है। ठीक है, इसमें 12-13 मेरे ख्याल में 12 साल अगर आप यहाँ गुजारूँगे तो वो आपको इसका जो पासपोर्ट होती है ये पासपोर्ट हुकूमत की तरफ से बाकायदा आपको इश्यू हो जाता है। फिर ये होता है कि इनके बेरिंग की अगर आपको नेशनलिटी मिल जाए पासपोर्ट दिया जाए फिर बहरीन के पासपोर्ट पे सबसे एबो मालिक को आप सिर्फ पासपोर्ट है बस वीज़ा उधर वीज़ा नहीं है। इसमें बहुत से यूरोप के मालिक भी आते हैं कि फिर आप बगैर वीज़े के उधर जा सकते हैं। हार्ट का बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत जगह है, बीच है, लेकिन मैं इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो इंशाल्लाह जब मौका मिले उधर भी जाएंगे, वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। महारक कहते हैं, महारक बहुत खूबसूरत जगह है और इधर जो है सारे लोगों की रिहाइश जो होती है वो इधर महारक बहुत बड़ा इलाका है। महारक ये महारक ये जो है ये नया बन रहा है, मुझे इसका पता नहीं कि ये क्या है लेकिन शायद जो बन जाएगा फिर मैं आपसे बाद में बताऊंगा। लेकिन उसके बाद मैंने वीडियो लिखी है, उस साइड का बहुत ज़बरदस्त बीच है और साथ में रेस्टोरेंट भी है, लोग आते हैं और इधर बैठते हैं। उधर देखो उस साइड का बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत जगह है, लेकिन अब मैं देख इतना ऊपर आ रहा हूँ ना कि मैं उधर जा नहीं सकता, तो मेरे पास टाइम की कमी है। चलो वो फिर मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। मैं आपके साथ बहरीन का विज़िट भी कराऊँगा और साथ में जो वैकेंसी होती है वो भी मैं आपको दूँगा। मैं खुद ही जब बहरीन में आ गया तो मुझे बहुत पसंद जो भी बंदा मैं अगर दूसरे ममालिक के पास गल्फ में आना चाहता है तो मैं सिर्फ आखिर में ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ बहरीन को आ जाए, पैसा कमाएंगे और साथ में ये होगा कि आपको तकलीफ दुबई के जिस तरह के सऊदी में उससे बहुत बेहतर है। यार मैं आपसे मैं खुद ये बात भाई की तरह मशवरा दे रहा हूँ कि इधर बहरीन को आ जाए, बहुत ज़बरदस्त जगह है, पैसा है बहुत काम है यार। ओके हाँ फिर मिलते हैं, चलो कल मैं आपके साथ वो जॉब ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़।